दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य संभाग के रीवा में सीएम अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि रीवा की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से तंग आ चुकी है और अब मध्य प्रदेश में बदलाव चाहती है। बता दें कि इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल सतना में चुनावी रैली कर चुके हैं। इस दौरान केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दी है। तो आज रीवा में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महारैली देखने को मिलेगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचने का दावा इस रैली में किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के दौरे पर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज रीवा में बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, आज एक बड़ी रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रीवा में संबोधित करने जा रहे हैं। काफी तादाद में लोगों के जुटने की संभावना वहां पर है। क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं और कितने लोग जुट सकते हैं वहां पर? क्या बड़ी सौगात वहां पर दे सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? बड़ी घोषणा क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको बता दें, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। वहां पर जनता को गारंटी दी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। आज मध्य प्रदेश के रीवा में एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि आज रीवा की जनता को कई बड़ी सौगात देने का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप देखिए चुनावी मूड में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, पहले 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तो लगातार आप देखिए कि 2024 के चुनाव को लेकर के और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के संगठन को मजबूत करना, वहां की जनता से बात करना, वहां की जनता को बताना कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किस तरीके से काम करेंगे, जनता को गारंटी देना, इस तरीके से लगातार जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के पूरी तरह से आप देखिए आम आदमी पार्टी तैयार नजर आ रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी और चुनाव प्रचार के लिए लगातार आप देखिए कि खुद अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाल रखी है और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लगातार बने रहते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज रीवा की जनता को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं और क्या कुछ मंच से बड़ा ऐलान करते हैं। जी बिल्कुल बलराम, पहले पंजाब में हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब वासियों को खुश किया और उसके बाद अब रीवा में भी एक बड़ी रैली को आज संबोधित करेंगे और हर किसी को बड़ा इंतजार है कि क्या कुछ रीवा की जनता को लुभा पाएंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज का जो कार्यक्रम है, जो सभा होगी, उसमें लाखों लोगों के जुटने की जो है संभावना जताई जा रही है। क्या वहां का माहौल प्रतीत होता है आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तब से संगठन को मजबूत करने का काम जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, वो कर रहे हैं और खास तौर से उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान काफी ज्यादा काम किया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो काफी मजबूत हुआ है। और आपको बता दें कि बूथ स्तर पर काम किया गया है, ग्राम स्तर पर काम किया गया है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी का संगठन काफी मजबूत हुआ है। अगर हम 2018 की अपेक्षा 2023 में बात करें तो, और यही वजह है कि आज हजारों की संख्या में जो जनसभा आज रीवा में आयोजित की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें जुटने की संभावना जताई जा रही है और माना जा रहा है कि हजारों की तादाद में जब लोग
इकट्ठा होंगे इस जनसभा में, तो उन्हें संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल कई बड़ी गारंटियां दे सकते हैं, कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ का दौरा करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं भी वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज चुनाव को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़ी गारंटियां रीवा की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। और ये इंतजार विपक्ष को भी है कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल वहां पर जनता को गारंटी देंगे, क्या कुछ खास कहेंगे। लेकिन आप देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। तो ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर के दोनों संगठन एक साथ नजर आएंगे, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये दोनों संगठन एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये भी देखने वाली बात ये होगी कि जो इंडिया गठबंधन का योगी दल है कांग्रेस, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहती है, बलराम तरीके से। ठीक है बलराम, नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।